नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। दोस्तों, शनि महाराज शनि देव आपके लाभ के भाव, जिसको बोलते हैं ग्यारहवां भाव, इसमें अगर बैठे हैं तो आपको क्या फल देंगे, ये जानने की आज हम इस वीडियो में कोशिश करते हैं। ग्यारहवां भाव कुंडली का बहुत उत्तम भाव माना जाता है। धन की प्राप्ति, व्यवसाय में तरक्की, रोग परेशानी से मुक्ति का भाव होता है। जीवन में कुछ डिजायर्स यानी इच्छाएं होती हैं, उनकी पूर्ति का भाव होता है। प्रतिभा, आपके अंदर कुछ प्रतिभा है, कुछ छुपी हुई है, कुछ चीजें उनको निकालने का भाव होता है, आगे बढ़ाने का भाव होता है। दोस्तों का, अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त इसी भाव से मिलते हैं। बड़े भाई का अपने प्रेम स्नेह, बड़ी बहनों का प्रेम स्नेह, चाचा वगैरह का जो प्यार है या नफरत है, वो भी इसी भाव से मिलती है। यहाँ पे अगर शनि विराजमान हैं तो शनि कैसे फल देंगे ये बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं शनि की इस भाव में बैठने की सबसे मुख्य पावर क्या बन जाती है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि, शनि की तीन दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि डालेंगे लगन पर, यानी लगन आपकी पावरफुल हो गई। लगन को बल मिल गया, कोई भी शुभ ग्रह अगर अपनी दृष्टि डाल के लगन को देखता है तो मजबूती आ जाती है। इनकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव, यानी जिसको संतान का भाव बोलते हैं, प्रेम का, कंपटीशन का, आगे बढ़ने का, नौकरी का, यानी बीटेक वगैरह जो डिग्रियां लेते हैं वो भी इसी भाव से मिलता है। यानी शनि की अगर ये सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ गई तो बच्चे आपको जरूर मिलेंगे। विवाह का ये एक साधन बन जाता है, क्योंकि रोमांस का भाव होता है ये। और इसके बाद दसवीं दृष्टि शनि की पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर। शनि की दसवीं दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपकी आयु में वृद्धि हो जाएगी, लाभ मिलने वाला है। और इस भाव को हम एक और भाव भी बोलते हैं, ये अचानक से आपको कुछ लाभ देता है, यानी लॉटरी वगैरह का भी ये भाव होता है। ये फल तभी अच्छे मिल पाते हैं जब शनि अपनी राशि में हो, मकर में या कुंभ में, या अपनी उच्च राशि तुला में हो, मित्रों के साथ बुध या शुक्र बैठे हों, अस्त भी नहीं होना चाहिए, वक्री भी नहीं होना चाहिए इनको, और इनके ऊपर राहु केतु की या और क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं हो। ये भी एक खासियत है, इनके साथ भी ना बैठे हैं राहु केतु, नहीं तो शनि के साथ राहु केतु का योग बहुत बर्बाद करने वाला योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को क्या मिलने वाला है, एक खासियत और होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, लंबी उम्र मिलती है इनको। चापलूसी का गुण भी होता है, यानी एक ऐसा गुण होता है कि अपना काम निकालने के लिए ये कुछ भी कर लेते हैं, और ज्यादातर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के करीब रह के अपना काम निकाल के आगे बढ़ने की इनकी इच्छा होती है, शक्ति होती है, और उसको पूर्ण करते हैं। दीर्घायु तो होती है, और इनकी इनको क्या फायदा होता है, अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी मेहनत से ये आगे बढ़ते हैं, बहुत संपत्ति के मालिक बनते हैं। इनके लिए अध्ययन यानी टीचिंग प्रोफेसर का जॉब, लॉ का जॉब, यानी अगर ये न्यायालय से संबंधित कार्य करते हैं, लोहे का, सीमेंट का व्यापार करते हैं, तो बहुत ही उत्तम फल मिलने वाले हैं, बहुत अच्छा है, इनको इसमें लाभ ही लाभ मिलता है। इसी फील्ड में अगर नौकरी करते हैं तो भी व्यवसाय में तरक्की मिलती है। ये एक तरह से अपने स्वयं के भाग्य निर्माता बोले जाते हैं। इसके विपरीत अगर शनि पीड़ित है, शनि पीड़ित होंगे तब जब वो अपनी नीच राशि मेष में विराजमान होंगे, चंद्रमा या मंगल के साथ बैठे होंगे या राहु केतु भी बैठे होंगे इनके साथ, तो ये पीड़ित हो जाते हैं। और इसके साथ अस्त हैं, वक्री हैं, डिग्री बहुत थोड़ी है या बहुत ज्यादा है, पावर के साथ भी अगर ये नीच के हैं तो अपनी नीचता बढ़ाएंगे, उच्च के हैं तो पावर बढ़ी हो तो उच्च जो पावर है वो देते रहेंगे, यानी अपने शुभ फलों में वृद्धि करेंगे।
ऐसा व्यक्ति अगर नीच के शनि है तो कभी भी संतुष्ट नहीं रहता, उसके जीवन में जितना मर्जी मिल जाए पड़े परेशान रहता है हर तरह से, और मित्रों की तरफ से भी उसको काफ़ी हानि मिलती है, धन का नाश कराया जाता है मित्रों द्वारा, छल से पैसे कमाने की इसको आदत पड़ जाती है। ऐसा व्यक्ति छल कपट के अंदर ज़्यादा ध्यान लगाता है, इसके कारण ही इसके मित्रों से जो भी संबंध होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, अलग तरीके के होते हैं, यानी धन की हानि का पूरा संकेत नज़र आता है। दोस्तों अगर किसी के शनि पीड़ित हैं तो क्या करें, जानने की इच्छा होगी। भैरव बाबा की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, शनि मंदिर में अपनी क्षमता के अनुसार दान दीजिए, कुत्ते को रोटी खिलाएं तो उत्तम रहता है, और काला वस्त्र या उड़द की दाल काले रंग वाली जो होती है उसका दान कर सकते हैं, और एक शनि का यंत्र होता है उसको अभिमंत्रित करा के हमेशा अपने पास रखें तो शनि के दूषित फलों से आपको काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों आप हमारा चैनल देखते हैं, धन्यवाद। अभी तक जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा। कोई जिज्ञासा है तो एक व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिखित में हमको लिख के भेजिएगा, प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।